चंडीगढ़ के सैक्टर 25 के वार्ड नंबर 16 के रहने वाले एक निवासी बलविंदर सिंह ने सैक्टर 27 के प्रेस क्लब दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वार्ड के ही आम आदमी पार्टी के कौंसलर पूनम के पति उपर गंभीर इल्जाम लगाया। कहा है कि कौंसलर का पति संदीप कुमार अपनी घरवाली दे कौंसलर बनने का नजायज फायदा उठा रहा है ते ओ लोकां तो गैर कानूनी काम करवा रहा है ते पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भी ओ एक हिस्ट्री शीट रहते उस ते काफी केस दर्ज ने ते ओहो जुआ सट्टा वर्गे नजायज कारोबार दे नाल भी जुड़िया है। बलविंदर सिंह ने दस्या कि कौंसलर का पति उस कोलों भी 3 लाख रुपए की मंग कर रहा है। मेरा एलिगेशन है आम आदमी पार्टी पार्षद पूनम उसके हस्बैंड संदीप के खिलाफ, जो जिन्होंने मुझसे 3 महीने पहले 3 लाख रुपए की डिमांड की और मैं 1-1 लाख रुपए करके उनको 2 बार पैसे दे चुका हूँ। तीसरी बार मैंने सिर्फ 30,000 रुपये उनको दिए, बाकी अमाउंट के लिए मैंने टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने 12 बजे की रात को मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग की और फिर वॉइस कॉलिंग करके गालियाँ निकाली और धमकियाँ दी कि मैं तुझे 25 सेक्टर के अंदर रहने नहीं दूंगा, तेरा इलीगल धंधा। मैंने उसको साफ मना कर दिया, मेरा कोई इलीगल धंधा है, उसके लिए कानून है, अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे कानून सजा दे। तुम पैसे ले लेके मुझे सजा क्यों दे रहे हो? मुझे इस बात से टॉर्चर है, मेरी फैमिली बहुत सदमे में है, उसने मुझे धमकी दी है, कहीं कल को वो मुझे जान मान का नुकसान भी पहुंचा सकते। इस बात के लिए पैसे मांग रहे हैं? पैसे इसलिए मांग रहे हैं सर, मेरा सेल परचेज का काम है, मैं सोशल वर्किंग भी करता हूँ 25 सेक्टर के अंदर, गरीब लड़कियों की शादी और मतलब कि किसी भी बेसहारों को कोई मदद आर्थिक सहायता चाहिए उसके लिए भी करता हूँ, लेकिन वो अपने रुतबे का इस्तेमाल कर अपनी वाइफ का काउंसलर उन्होंने क्या इसके करके ना तुम इससे पैसे की डिमांड की, ये इसके पास पैसा ही मुझे पैसे देगा प्रॉपर्टी देगा। उन्होंने भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि अपना जो स्टेट ऑफ इसके पुराने बंद सील बंद मकान है ना वो 2-3 लाख में बेचे हुए सारे डॉक्यूमेंट। आप एक बार वेरीफाई करो, स्टेट ऑफिस में जाओ, आज तक भी कोई ऐसा पर्चा नहीं है कि सील बंद मकान मैंने खोला हो और ना मेरे खिलाफ सिर्फ 2012 में एक पर्चा था, वो भी संदीप ने डलवाया था, पहले भी उसने 10 लाख की डिमांड करी थी 2012 में, मौजूद है आज, आप कॉलोनी में वेरीफाई कर सकते हो, उसने मुझे अपनी दुकान से बुला के चकवाया था, वही एलिगेशन अब हो रहे मेरे ऊपर, उसको ब्लैकमेल करके मुझे पैसे हटने की साजिश है। दूसरे पास जदों इस आम आदमी पार्टी दे काउंसलर पूनम दे पति संदीप नाल इस बारे गलबात की तो उन्हें सारे इल्जामों नूं बेबुनियाद दसदे हुए कहा कि जो व्यक्ति उन्हें उपर इल्जाम लगा रहा है अते ओ जिस मकान विच रह रहा है वह मकान उसनूं अलॉट तक नहीं होया ते उस व्यक्ति ने उस मकान ते नजायज कब्जा कर रखा है ते पुलिस ते स्टेट ऑफिस के अधिकारी भी इस विच रले हुए ने। सर मैं सैक्टर 25 में रहता हूँ, मुझे 15 साल हो गए, जो बलविंदर उपाला राम का लड़का है इसका यहाँ पर सेक्टर 25 में डुप्लीकेट मकानों का कामों का धंधा है, जैसे डुप्लीकेट मकान की अलाटमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँगा, दिखा देता हूँ, जैसे मकान की ये डुप्लीकेट अलाटमेंट कब्जा लेटर हो गया, उसके बाद मैं आपको ये 400 रुपये की रसीद डुप्लीकेट, 6,000 की रसीद डुप्लीकेट, ये एक मकान नंबर है 1761, ये सरकार ने स्टेट ऑफिस ने अलाट ही नहीं करा, बहुत से ऐसे मकान हैं जो सरकार ने अलाट नहीं करे, जो बलविंदर उपाला राम का लड़का है डुप्लीकेट कागज़ बना के गरीब लोगों को 3-4 लाख रुपए का सर मकान बेचता। सर आप एक बताइए, गरीब आदमी 3-4 लाख रुपए का मकान खरीदता, 5 लाख रुपए ऊपर लगाता है, 9 लाख हो गए, 2 लाख का सामान लाता है, और जब वो सरकार ने अलाट ही नहीं करा, सरकार तो एक आज नहीं तो कल उसको तोड़ेगी, बदनामी किसकी होती है? हमारे एरिए की। मैंने बलविंदर के खिलाफ कंप्लेंट दी, उसके भी ना डुप्लीकेट कागज़, डुप्लीकेट अलाटमेंट, डुप्लीकेट कागज़ प्रॉपर हर चीज़ को करी हुई है सर। और सर थोड़े दिन पहले बिजली वाले पानी बिजली डिपार्टमेंट गया था, उसको बिना परमिशन के उसने लाइट लगा रखी थी, उसका मीटर उखाड़ के लेके आए, और घर में सर उसका जो पानी लगा हुआ है 7 सालों से उसके घर में पानी चल रहा है 2 नंबर से। हैरानी की गल यह है कि जिस तरह दोवें पक्ष एक दूसरे ते गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने तो यह साफ जाहिर होंदा है कि सैक्टर 25 यानी कि वार्ड नंबर 16 के मकानों की धांधली काफ़ी लंबे समय तो चल रही है ते जिसका साथ स्टेट ऑफिस के अधिकारी अते पुलिस दे रहे हैं ते इस सैक्टर दे विच ना जाने किन्ने अजिहे मकान ने जो कि चंडीगढ़ प्रशासन की वैबसाइट के खाते विच नहीं बोलते ते यह जांच का विषय है। जगबाणी टीवी ले चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।